हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया। अब हमें स्टडी करना है उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, जिसमें से एक इफ़ेक्ट है कि कभी भी एक करंट कैरिंग वायर जो होती है, जिसमें करंट पास हो रहा हो, उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो मैग्नेट की तरीके से प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट की तरीके से वो जो बिहेव करता है, तो पूरा ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। सबसे पहले हमें जो स्टडी करना है इसमें, वो है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हम लोगों ने हम जानते हैं जो क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को या फिर कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता हो। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, ईटीसी, तो इस टाइप के मटेरियल को हम बोलेंगे मैग्नेट। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की जो क्या करता है, आयरन के पीसेस, निकल के पीसेस, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करता हो। और भी हमारे मटेरियल्स हो सकते हैं जिनको ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नेट के बारे में कि एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड ए मैग्नेट। A material that attracts pieces of iron, nickel is called a magnet। तो ऐसा मटेरियल जो इन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट करता हो, उसको हम बोलेंगे मैग्नेट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल तीन मटेरियल, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं जिनको वो अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसमें से हम लोग देखिए, जो मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है नेचुरल मैग्नेट जो नेचर से हमें मिलता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, इन मैग्नेट्स को हम लोग बनाते हैं या मैन मेड मैग्नेट बोला जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे तो पहला है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसे को हम बोलते हैं मैन मेड, मतलब हमारे द्वारा बनाई गई मैग्नेट। अगर एग्जांपल की बात करेंगे, नेचुरल मैग्नेट हम लोगों ने कहाँ पे देखी है, तो लाउड स्पीकर, जो कोई भी स्पीकर होता है तो उसमें देखा होगा पीछे साइड में एक मैग्नेट लगी होती है। वो सभी मैग्नेट, ये क्या है, ये हमें कहाँ से मिलती है, अर्थ से डायरेक्टली मिलती है। ठीक है, इसकी एक और होती है जहाँ से ये हमें डायरेक्टली रॉक के फॉर्म में मिलती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट ये हम लोग बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, ये सब हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
फिर बात आती है कि अगर कोई भी मैग्नेट होता है तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है उसकी, जिसमें वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, और अगर ऑब्जेक्ट को उससे कहीं दूर रखेंगे तो फिर उस पर वो कोई भी फोर्स नहीं लगाता है। तो वो जो एरिया होता है मैग्नेट के चारों तरफ उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसको स्टडी करने से पहले हमारे पास एक और मैग्नेट है जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है, तो ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट है। बस इसका एक डिज़ाइन या ये बोलेंगे इसका एक पर्टिकुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है, कुछ इस टाइप का शेप होता है, रेक्टेंगुलर बार, ठीक है, एक क्यूबॉइडल शेप होता है, उसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर शेप्ड बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन निकल एंड कोबाल्ट। डेफिनेशन सेम है, बस हमने क्या किया इसका नाम एडअप कर दिया इसमें, ठीक है। इट इज़ ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ए बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर शेप बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल। अब अगर हम बात करेंगे मैग्नेट की तो इसके पास दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो कोई भी मैग्नेट होती है उसके पास दो पोल्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो सपोज करिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन होगा, मान लीजिए ये ऐसे कोई रीजन है इसका जहां तक ये क्या कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ऐसे एक रीजन है इसके चारों तरफ। और इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में अगर कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, ठीक है, शेप पे नहीं जाना है, बस आपको एक जनरली समझाने की कोशिश की जा रही है कि इसके चारों तरफ इस रीजन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे जो आयरन का होगा तो ये क्या करेगा, फोर्स अप्लाई कर देगा उस पर, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड की, इट इज़
द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एरिया या रीजन अराउंड द मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कि जो मैग्नेट के द्वारा लगाया जा रहा फोर्स है, एग्जर्ट हो, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा आता है इसमें, अब देखिए हम जानते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ वो फोर्स लगाता है तो उसका एक रीजन बनता है और उस रीजन में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग आगे पढ़ेंगे, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ दिखाई तो देती नहीं है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट के चारों तरफ कंपास रखते जाते हैं और उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया और उसकी हेल्प से हमें क्या मिला, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई। ये समझ आया कि इसके चारों तरफ लाइंस बनती हैं जिनको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन at a point in the magnetic field is the direction of हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो एक्चुअल में हम लोगों ने अभी आपको मैंने बताया था कि डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये हम लोगों ने फाइंड की विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाके उस कंपास को रखते हैं तो कंपास का जो नॉर्थ पोल होता है उसी को यहाँ पे बोला गया है हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल, क्योंकि हमें वो लाइंस दिखती नहीं है लेकिन हम उसके हेल्प से, कंपास की हेल्प से उनको स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम कंपास को वहाँ पर रखते हैं तो कंपास क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, वो एक डायरेक्शन शो करता है, वही डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसी बहुत सारी लाइंस उसमें बनती हैं, उन सबको हम आगे इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे कि किस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस इतना समझना है अभी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर फाइंड करना है तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कंपास को प्लेस करना पड़ेगा और कंपास जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हमारा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब बात आती है कि कंपास क्या है। तो कंपास इज ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। इसीलिए इसको हम एक और नाम देते हैं, प्लॉटिंग कंपास। कंपास इज ए डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है प्लॉटिंग कंपास, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कर पाते हैं। वो फील्ड लाइन्स जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे होती होंगी, इसीलिए इसको नाम दिया प्लॉटिंग कंपास, जो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को प्लॉट करने में, ड्रॉ करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।